हेलो भाई, वेलकम टू माय चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपको एक ऐसी अनूठी जगह पर लेकर आए हैं, वहीं पे लेकर आए हैं दिल्ली में, तो रेल म्यूजियम पे आपको वहाँ की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। तो आपको सीधे ही लेके मिलते हैं। मैंने पार्किंग टिकट ले चुका हूँ, मैं मेरी बाइक सामने लगी हुई है, तो आपको सीधे एंट्री करते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ दिखाते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं तुरंत कुछ सेकेंड के बाद में। सामने देख रहे हैं ये रेल राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है, यानी नेशनल रेल म्यूजियम। तो मैं वहीं पे चल के टिकट लेता हूँ, मैं तो आपको दिखाता हूँ प्राइस क्या रेट है। तो एंट्री फीस 50 रुपये है। अगर आप अन्य चीज़ भी यूज करना चाहते हो उसका अलग चार्ज देना पड़ेगा आपको। इसमें चार तरह की चीज़ दिखा दे रहे हैं। जॉय ट्रेन है, जॉय ट्रेन डीजल सिमुलेटर है, भाप सिमुलेटर है और कोच सिमुलेटर। तो आप जो भी अंदर घुसना चाहते हैं। कितने की टिकट भाई? टिकट का प्राइस पर पर्सन। अच्छा अच्छा, तो हम मैं टिकट ले जाऊँ, आप अंदर चेक करवाते हैं। चलो बाहर चलो, टिकट दिखाओ। एक तो ये देखिए, सामने मेरी टिकट आ चुकी है, तो अंदर चेक करवाते हैं। चेक नहीं हुई टिकट? दे दो, अभी दो। अच्छा, एक ही हो गया। अच्छा अच्छा, तो इस टाइम मेरी टिकट चेक हो चुकी है। तो स्टार्टिंग में गेट में घुसते ही शाम को ये बच्चों का तो आपको और इंजन के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। तो सामने आप देख रहे हैं, एंट्री करते ही आपको सिमुलेटर भाप वाला इंजन दिखाई दे रहा है। ये देखिए, आप देख रहे हो इनकी मजबूती, साइड लगा सकते हैं। ये लिखा जयपुर स्टेट रेलवे, तो जयपुर की ट्रेन है ये। अब ये इस टाइम खाली म्यूजियम में यूज होती है। ये देखो इस टाइम क्या कंडीशन हो चुकी है रेल की। जो लकड़ियाँ यूज होती थी पटरियाँ, ये देखिए, पुराने जमाने का। इसमें देखो आपको टॉयलेट रूम भी दिखाई दे रहा है, इसमें गीजर भी होता था उस ज़माने में। बताओ ज़रा यार, ये लग्जरी ट्रेन बोल सकते हैं, तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। तो ये मैं एक और लेके लग्जरी गाड़ी पे या कोच पे लेके चलता हूँ मैं, बोगी पे। ये देखिए क्या इस टाइम कंडीशन है, और ये सामने पंखा भी दिख रहा है, जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये केबिन बने हुए होते थे, जो बहुत महंगी महंगी सफ़र करना चाहते थे वो उनके लिए ये ट्रेन होती थी। इसमें बेड भी लगा हुआ है, बिल्कुल सिंहासन तय, आप सोफा सेट बेड आराम से एंजॉय कर सकते थे लाइफ का। तो मैं सीधे आपको वहीं लेकर चलता हूँ मैं। सामने देखिए एक छोटा सा सिमुलेटर इंजन है, इसका कोड नेम है MTR 0 नंबर 2। ये एक पहिए की डमी दिखा के, पहले ज़माने में इतने ऊंचे ऊंचे पहिए होते थे, जिसे भाप वाला इंजन चलता था, इतने ऊंचे पहियों से चलाया जाता था। ये देखिए, तो ये सिमुलेटर इंजन है भाप वाले। अब आपको अंदर नज़ारा ले अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ चल के। जैसा कि सामने देख पा रहे हैं, ये रेस्टोरेंट, ये हमारे एक हिंदी जगत की फिल्म में यूज किया गया था, कियन कामे। तो ये रेस्टोरेंट अगर आप फिल्म में देखेंगे तो ये चीज़ दिखाई देगी रेस्टोरेंट का। और ये एक चीज़ और है सामने, जो आप
ट्रेन देख रहे हैं ना सामने, ये मैसूर के राजा, ये भी यूज करा गया था। मैं अभी आपको दिखा भी चुका हूँ मैं, तो आगे और दिखाते हैं। ये जय जोधपुर का इंजन है, ये जोधपुर रेलवे। और आगे भी देख रहे हैं आप, बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर यहाँ पे संभाल के रखी गई है। तो आपके और आगे लेके चलते हैं, कुछ फिल्में में यूज किया गया वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। सेकंड लग्जरी चेयर दिखाने जा रहा हूँ मैं, कार चेयर रेलवे की। इस जमाने में ऐसा होता था, ये देखिए लोगो है इनका। MR तो गाइस जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, ऐसा होता था किसी जमाने में रेल का सेटिंग, जो कि यहाँ पर ऐसे खड़े होकर चलाई जाती थी। आज के टाइम में जो कि बैठकर चलाते हैं, खड़े होकर चलाते थे। और देख सकते हैं ये है इसकी कारखानी, और ये एक लग्जरी ट्रेन है जो कि पहले चलती थी। तो जो अब देख रहे हो आप, ये सामने इसे प्रेशर दिया जाता था। और सामने देखो हैंड ब्रेक और ब्रेक दोनों दिख रही है यहाँ पे। अब ये जो सामने देख रहे हो, ये मैसूर के राजा थे। ये एक इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी यूज करी गई थी इसमें, ये अपना पर्सनल घूमने के लिए रखते थे और राशि ठाट हो रहा करता था इसके अंदर। अभी भी उनके उस ज़माने की फ़ोटो है जो 3D में बनाई गई, जो आजकल टाइम में पॉसिबल है। उस ज़माने में कैसे इन्होंने अरेंज करा होगा तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं आप, क्योंकि ये सीट बिल्कुल बंद है कि पब्लिक से डैमेज कर सकती है, तो इसको लॉक रखा है इन्होंने। तो मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ मैं। और अब नेक्स्ट इंजन में लेके चलते हैं आपको। सामने देख पा रहे हैं ये कि ट्रेन का वो यार्ड रूम बनाया जहाँ पे ट्रेनें रिपेयरिंग करी जाती थी, और इनके छोटे मोनो रेल बनाई गई हैं जो नक्शे में आपने देखा होगा। जैसे आप देख लो सामने देख पा रहे हैं, ये हमारा स्टेशन है, ये पुरानी दिल्ली रेल स्टेशन। छोटा सा टिकट घर भी बनाया गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये देखिए, और लोटस टेम्पल भी ट्रेन के बगल से गुजरती दिखाई दे रही है, उसी का ये नक्शा बनाया गया है। आइए, जो लाल किले के पास में पुल बनाया गया था, ये वही आप देखो, ये किस तरह से पुल बनाया गया है। और एक जगह स्टेशन का नाम है गुना, तो वहाँ आपको गुना का रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है, प्लेटफार्म। और ये फ्लाईओवर देख रहे हैं, आपके जमाने के जो फ्लाईओवर छोटे छोटे उनके मैप है ये। हाँ, जैसा कि सामने देख पा रहे हैं, ये लखनऊ का रेलवे स्टेशन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो भाई इसी पार्ट में यहीं तक दिखाते हैं और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, धन्यवाद। तो भाइयों, आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो में कमेंट्स कर जरूर बताना। और वीडियो में सारी रेल की जानकारी, इंजन के बारे में सारी दे चुका हूँ मैं, जो ट्रेन एक्सीडेंट में यूज होती थी वो भी मशीनरी दिखा चुका हूँ। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। मिलते हैं नए ब्लॉग में, और इसके साथ में वीडियो को एंड कर रहा हूँ। बाय गाइस।